हमेशा परिवार में जब झगड़ा हो जाता है तो बिचौलिए मिलकर भी फैसला करते हैं, जो बड़े होते हैं कदम। प्रदेश संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर हमें बुलाया, अनुशासित सिपाही हैं, जो मन का गुबार था वो निकाला, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर बात यहां तक आग बढ़ी कि आप अखाड़े तक पहुंचे। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा धुआं उठा, आग जली, आग जली, अभी तो पानी पड़ा उसका, आग तो आपदा जलती इंशाल्लाह। जब तूफान जज्बातों का रुकू तूफान होगा, जहन पीछे चला जाता है, जज्बात में आ जाता है, लेकिन जज्बातों को जहन की लगाम दी गई है और इंशाल्लाह बात ठीक होगी। जो मनमुटाव था वो दूर हुआ है? एब्सोल्युटली दूर हुआ है। उसने कहा मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं, बट मुझे और क्या चाहिए, किसी की जान थोड़ी लेनी है। बड़ों का सम्मान हो, छोटों को स्नेह और प्यार दें, यही होता है समाज, वही हुआ है। आपने एक मामले में कोर्ट तक जाने की बात कही थी, तो क्या वो मामला भी समाप्त हो गया? सिर्फ जबानी जंग खत्म हुई? जख्म को कुरेदोगे तो नासूर बन जाएगा, जख्म पे मलहम लगाओ, कुरेदो मत। एक बात हो रहा है सर, आपने राष्ट्रपिता को लेकर बातें जो कही उन पर आप किस तरह से अड़ी, वो आपका अपना विचार है या पार्टी की तरफ से कह रहे हैं? किसी का विचार नहीं, वो मेरा स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, उच्च शिक्षित हूँ और अलग अलग विषयों में अध्ययन मेरा, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, ये नहीं कि मैं साइंस की बातें जानता हूँ, मैंने हर विषय के बारे में पढ़ा है और जो मैंने 3 पेज कल लिखे हैं 3000 वर्ड्स उनको पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा मैं जो कहा था, मैंने जो कहा है उस पर अड़ी हूँ। पार्टी का इसमें कुछ नहीं, पार्टी का कुछ नहीं है, मेरा है, मेरे स्वतंत्र विचार है। क्या चाहते हैं? मैं वो चाहता हूँ जो साजिशें मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ हुई, हालांकि अमर इकबाल साहब ने पहले कह दिया था सदियों से रहा है दुश्मन जमाना हमारा, कुछ तो बात है कि मिट्टी नहीं हंसती हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो साजिशें हुई हैं और हिंदुस्तान में जयचंद को सम्मान दिया गया, पृथ्वीराज चौहान का अपमान हुआ है, मैं चाहता हूं कि जयचंद को हट करके पृथ्वीराज चौहान को सम्मान दिया। एक आखिरी सवाल है कि आपका जो फैसला हुआ या जो आपसी मनमुटाव दूर हुआ है वो लिखित में हुआ या माफीनामे के तहत हुआ? मेरी जान, कोर्ट का केस थोड़ी था वो लिखित में करते, जुबान इंसान की होती है, मर्द की जुबान, और मैं तो असली मर्द हूँ, जबान कह दिया, जबान है सरकार के मुखिया थे, सरकार के संगठन के मुखिया थे, उनके सामने बात होगी, बात तमाम होगी। आपको उम्मीद है ऐसा आगे नहीं होगा? मुझे अपने से उम्मीद है, दूसरे का ठेका तो आजकल अपनी औलाद